भाजपा के पटना साहब तो मौजूदा लोक सभा मैंबर ते फिल्मी अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा अज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। शत्रुघ्न ने बीजेपी को पार्टी के स्थापना दिवस मौके छड्डिया है। हालांकि अपनी पुरानी पार्टी बीजेपी को भुले नहीं जापते, कांग्रेस में शामिल होने मगरों उन्होंने यह भी कहा कि वह बेमन नाल भाजपा छड्ड रहे हैं। पिछले दिन सिन्हा ने कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी नाल मुलाकात भी की थी। कांग्रेस के सीनियर लीडर ते पार्टी के कौमी बुलारे रणदीप सिंह सुरजेवाला की मौजूदगी शत्रुघ्न सिन्हा ने पार्टी में शमूलियत की है। हुण वह पटना साहब तो चोण लड़ सकते हैं। कांग्रेस में शामिल होने मगरों शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ कर दिया है कि वह अपना संसदीय हलका नहीं छड्डणगे। तुहानू दस दें कि कांग्रेस वालों पटना साहब तो टिकट देने तो बाद शत्रुघ्न सिन्हा का मुकाबला देश के कानून मंत्री ते भाजपा के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद नाल हो सकता है। और वो शख्सियत जिसका हम सबको आप सबको इंतजार था, आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी, उनका अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आज इस पत्रकार वार्ता में मंच पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उधर शत्रुघ्न सिन्हा दे कांग्रेस में शामिल होने ते उन्होंने धीए ते प्रमुख अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा ने भी इस फैसले नु सही दसिया है। पिछले दिन पत्रकारों वालों पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि उन्होंने पिता ने जो भी किया है वो ठीक किया है। उनकी मर्जी है वो, और आई थिंक अगर आप कहीं पर खुश नहीं है जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं तो आपको ज़रूर एक बदलाव लाना चाहिए जो उन्होंने किया। एंड आई होप कि उनका ये नया जो एसोसिएशन है कांग्रेस के साथ, वहाँ पर ही विल बी एबल टू डू अ लॉट मोर गुड वर्क एंड नॉट बी नॉट फील सप्रेस्ड। I think being such a senior leader and having you know such a vast knowledge, being a member of the party from the very beginning, I think from you know the time of Jayaprakash Narayan ji and Atal ji and LK Advani ji, I think my father has a lot of respect within the party, and I feel like those leaders, that whole jo unki jo sangati thi unke saath, that entire group has not been given the kind of respect that they deserve, and I feel that it was time to move on. Actually, he's done it a bit too late. He should have done it long back. Bureau report, Punjab Today.